अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कास्ट एनालिसिस ऑफ ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर की कास्ट कौन कौन सी होती है, उसके अंदर जो मेन कास्ट है उसके अंदर कौन कौन सी कास्ट परफॉर्मेंस में होती है, और हमको उसको एनालिसिस करने के लिए क्या क्या फार्मूलाज ज़रूरत होते हैं हमें पता करने के लिए कि कौन सी क्या कास्ट है तो कितनी होगी, ये मालूम करने के लिए हमें उसके कंटेंट्स देखने हैं और उसके फार्मूलाज का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। इसमें जो है ना दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में, मशीन और जो उसके फिक्स्ड कॉस्ट हैं और वेरिएबल कॉस्ट, किसी ट्रैक्टर की फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आएगी। इसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो होगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ यूज़, वो जितनी भी ट्रैक्टर मतलब यूज़ हो जाए तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड दोज फॉर डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, शेल्टर, इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस। के जो ट्रैक्टर जो है जितना यूज़ होता रहेगा उस पे ऊपर ये डिपेंड नहीं करती और ये इंडिपेंडेंट होती है, और इसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगी, टैक्सेस होगा, शेल्टर और इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस होगी। अभी आते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट की तरफ, तो विच इज़ मोर और लेस डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ मशीन। के ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये डिपेंड करते हैं कि मशीन जो ट्रैक्टर है वो कितना यूज़ हुआ है। तो ट्रैक्टर के जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी और फ्यूल, लुब्रिकेंट एंड लेबर कॉस्ट जो होगी वो होगी वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी हम आते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जो कि एक पार्ट है फिक्स्ड कॉस्ट का। तो ये है कि कैपिटल कॉस्ट ऑफ द मशीन एंड कवर इट्स वैल्यू अंटिल द मशीन इज वर्न आउट। कि इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे उस टाइम कैपिटल कॉस्ट, जब टाइम ऑफ परचेज के वक्त जो है ना कैपिटल कॉस्ट होगी, और उस टाइम तक इसकी कॉस्ट रहेगी जब तक ये वर्न आउट नहीं हो जाती, जब तक ये सोल्ड नहीं हो जाती, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट मालूम करने के लिए हमारे पास जो है ना तीन मेथड हैं। एक तो है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, तीसरा है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अगर हमने मालूम करना है यहाँ पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट, तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो सबसे इजी और मतलब जल्दी समझ आने वाला एक मेथड है। तो उसमें हमारे पास जो फार्मूला है डेप्रिसिएशन कॉस्ट का वो है डी इज इक्वल टू पी माइनस एस ओवर एल। यहाँ परचेज वैल्यू जो है वो है पी, और एस जो है सॉल्वेज वैल्यू है, और यूज़फुल लाइफ जो है उसकी कितने साल गारंटी है ट्रैक्टर की तो वो एल से डिनोट की जाती है। अब सॉल्वेज वैल्यू के बारे में आपको बता दूं कि ये जो है ना आफ्टर जो लाइफ टाइम है उसका, कि 10 साल अगर ट्रैक्टर की वारंटी है तो 10 साल के बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी सॉल्वेज वैल्यू। आमतौर पर जो इसको कहते हैं जो कबाड़ वाली वैल्यू, जो चीज़ कबाड़ में बिकती है तो उसकी जो कितनी वैल्यू होती है वो होती है सॉल्वेज वैल्यू। तो यूजली हम इसको देते हैं कि 10% होते हैं जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन। सपोज के 5 लाख का ट्रैक्टर है तो उसकी सॉल्वेज वैल्यू जो 10% है वो 50,000 होगी। अब आते हैं इंटरेस्ट एंड कैपिटल। इंटरेस्ट अब जो है उसका जो होगा हमारे पास यूजली जो है 8% होता है। इंटरेस्ट कहाँ से आता है? द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट एंड इज डिटरमाइंड बाई फार्मूला। तो इंटरेस्ट का जो फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी प्लस एस ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई आई। तो ये डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा, कि यूजली 8% रेट होता है इसका, या कोई क्वेश्चनिंग वगैरह अगर कहीं पे आप एग्जाम में सॉल्व कर ले रहे हैं तो उसमें ये इंटरेस्ट रेट दिया होता है, परसेंटेज रेट, और आपने टोटल वैल्यू में से ये निकालना होता है। तो हम अगर 5 लाख का जो 8% है वो निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 40,000। इंश्योरेंस जो है वो कंपनीज वगैरह जो बैंक के इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कैरीड आउट टू ट्रांसफर रिस्क हज़ार, जो हमारे मतलब
हादसा होते हैं किसी चीज़ के, तो उनको नुकसान होता है। जब ट्रैक्टर का कोई हादसा हो गया तो उसको नुकसान हो गया, तो उसके लिए बैंक वगैरह में जो इंश्योरेंस होता है उसका, तो वो उसकी चार्ज कॉस्ट की जाती है 2%, तो उसकी वैल्यू होगी 2%। अब 2% अगर उसमें से 5 लाख में से निकालें तो कितना होगा, 10,000। हाउसिंग, हाउसिंग क्या है कि हम ट्रैक्टर को जो अपने घर में खड़े करते हैं उसकी जगह बनाते हैं, या उसके लिए कोई छपरा वगैरह या कोई उसके लिए गैराज बनाते हैं, तो उसकी कास्ट कितनी आती है उसको खड़ा करने की, वो कितना कास्ट है, वो है 1 to 2%। अगर 1% है तो 5,000 होगी, 5 लाख की, तो अगर 2% है तो 10,000 होगी। टैक्सेस जो हम टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को एक चीज़ परचेज करने के लिए, ट्रैक्टर परचेज करने के लिए, तो वो आ जाएंगे इसमें फिक्स्ड कॉस्ट में टैक्सेस हो जाएंगे 1.5%, जो कि 5 लाख का 1.5% होगा 7,500। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये जो है ना वेरिएबल कॉस्ट का है, तो ये उसमें काउंट होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें ये काउंट नहीं होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में जो है कि उसका कोई ट्रैक्टर का कोई हिस्सा, कोई पार्ट, कोई जो है कोई टूल है वो ख़राब हो गया, इंजन का कोई हिस्सा ख़राब हो गया, या उसमें फिल्टर ख़राब हो गए, या कुछ भी ऐसा काम कराया है उसका, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में आएगी। फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, आपको पता है कि लुब्रिकेंट्स हम यूज़ करते हैं कि जो ट्रैक्टर के पार्ट्स होते हैं और जहाँ पे वो कनेक्शन होते हैं ट्रैक्टर के, मुख्तलिफ टूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन को बचाने के लिए, फ्रिक्शन से बचाने के लिए, तो ये लुब्रिकेशन वगैरह हम करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। और फ्यूल क्या है, फ्यूल जो है हम इंजन वगैरह चलाने के लिए यूज़ करते हैं, इंजन को रन करने के लिए, तो इनकी जो कॉस्ट होगी फ्यूल एंड लुब्रिकेंट कॉस्ट कहलाएगी। नॉर्मली ये जो है ना क्वेश्चन में दी हुई होती है अगर कोई एग्ज़ाम में होता है, वरना जो लुब्रिकेंट कॉस्ट होती है उसकी, सॉरी फ्यूल कॉस्ट होती है उसकी 15% जो होती है ना वो लुब्रिकेंट कॉस्ट होती है। सपोज़ के 100 रुपये का जो है ना फ्यूल इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी 15% लुब्रिकेंट कॉस्ट होगी, मतलब 15 रुपये का लुब्रिकेंट इस्तेमाल हुआ है। ऑपरेटर एंड लेबर कॉस्ट, आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर है जो ट्रैक्टर को चला रहा है, जो खेत में चला रहा है, हल कर रहा है, या वो रिजर चला रहा है, या कुछ भी ऐसा काम कर रहा है, तो सिंगल ड्राइवर ही सारा काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो पीछे इक्विपमेंट सेट करने या टूल वगैरह को मैनेज करने का काम होता है, तो वो ड्राइवर उतर के ट्रैक्टर से बार बार वो नहीं कर सकता, तो उसको एक हेल्पर की ज़रूरत होगी, ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। तो उससे मतलब काउंट करेंगे कि दो बंदे एक टाइम में, दो बंदे वो काम कर रहे होंगे, तो जितना वो एक घंटे में वो काम करेंगे या एक दिन में काम करेंगे, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो ऑपरेटर एंड लेबर कॉस्ट होगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।